भारत में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी किंगफिशर एयरलाइंस यूके में एक केस हार गई है। इसमें उन्हें कंपनी को 90 बिलियन डॉलर क्लेम के तौर पर देने को कहा गया। ये केस अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा है। 62 साल के माल्या की कंपनी के खिलाफ सिंगापुर की BOC एविएशन कंपनी की द्वारा दायर की गई याचिका थी। खबरों के मुताबिक मामला 2014 का है। तब किंगफिशर ने BOC ने कुछ प्लेन लीज पर लिए थे और दोनों के बीच 4 प्लेन को लेकर डील भी हुई थी, जिसमें से 3 डिलीवर किए जा चुके थे। BOC एविएशन सिंगापुर और BOC एविएशन आयरलैंड ने इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रुअरीज का नाम लिया था। यूनाइटेड ब्रुअरीज ने माल्या की बड़ी हिस्सेदारी बताई गई।